हमारे जीवन में गुरु की अहम भूमिका होती है और गुरु के लिए सबसे गर्व का पल वो होता है जब उनका कोई छात्र उनका नाम रोशन करता है, सफलता के नए आयाम हासिल करता है। भारतीय संस्कृति में गुरु को भगवान से ऊपर का दर्जा दिया जाता है, लेकिन कलयुग में इन रिश्तों के मायने बदल गए हैं, क्योंकि समाज में कुछ ऐसे गुरु और शिष्य हैं जिनकी वजह से इस पावन रिश्ते पर भी दाग लग जाते हैं। ताज़ा मामला अजमेर के लोकप्रिय कॉलेज दयानंद कॉलेज का है, जहाँ एक छात्र ने अपने ही गुरु पर हाथ उठाया। दरअसल कॉलेज कैंपस में छात्र संघ अध्यक्ष सोमवार को अपना बर्थडे मना रहा था, जिस पर उनकी हुड़दंगी देख प्रिंसिपल ने उन्हें बर्थडे पार्टी को वही खत्म करने को कहा। लेकिन इसी बीच छात्र संघ का अध्यक्ष स्टूडेंट अपनी सारी हदें भूलता हुआ अपने गुरु से ही तू तड़ाक करने लगा। जब गुरु ने छात्र की एक ना सुनी तो छात्र ने अपना केक ही गुरु के मुंह में पोत दिया। हद तो तब हो गई जब छात्र ने अपने प्रिंसिपल पर ही जोर का चाटा जड़ दिया। छात्र का आरोप है कि प्रिंसिपल ने पहले उसे चाटा मारा था, जबकि प्रिंसिपल ने बताया है कि उन्होंने छात्र द्वारा जबरदस्ती केक पोते जाने के बाद अपनी आत्मरक्षा में ही हाथ उठाया था। डीवी कॉलेज में आज मैं अपने राउंड पे था तो मुझे किसी ने बताया कि कॉलेज में कुछ विद्यार्थी बर्थडे मना रहे हैं और केक काट रहे हैं, और जबकि हमने ये नियम बनाया हुआ है कि कोई भी विद्यार्थी कॉलेज परिसर में इस तरह से केक नहीं काटेगा, और बर्थडे अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वो अपने प्राइवेट घर पे या कहीं पे कर सकते हैं, कॉलेज परिसर में हम बर्थडे मनाने नहीं देते किसी को। तो जब मैं राउंड पे गया तो सीताराम चौधरी अपना खुद का बर्थडे मना रहा था और साथ में 40-50 बच्चे इसके साथ थे, वो जो उपद्रव कर रहे थे और शोर शराबा कर रहे थे। मैंने जाकर इनको बोला कि भैया ये अलाउड नहीं है कॉलेज में, तो आप प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। तो ये मुझे कहते हैं कि हम तो केक यहीं काटेंगे, आप हमें रोक नहीं सकते, आपको जो करना कर लो, और इन्होंने केक काटना शुरू कर दिया। फिर मैंने इनको बोला कि ये आप गलत कर रहे हो, आप फिर एक्शन होगा। तो ये इसने मुझे जो केक काटा हुआ था ये मेरे मुंह पर केक मार दिया इसने, और फिर मुझे धमकी दी है कि मतलब कि आपको देख लेंगे हम और आपको वापस भेजेंगे जहाँ से आए हो। तो इस तरह का व्यवहार जो बहुत ही अनुचित है, और मैं तागीद करता हूँ सभी बच्चों से कि ऐसा व्यवहार कॉलेज में सहन होगा नहीं। आज तो मैं प्रिंसिपल हूँ, ये टीचर को क्या समझते होंगे क्लास में, और अपने घर में माता पिता की क्या इज्जत करते होंगे अगर अपने गुरु और अपने टीचर के साथ इनका ये व्यवहार है। अब ये मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने आगे की कार्रवाई करने का पूरा आश्वासन दिया है, लेकिन इस कैंपस से जो तस्वीर बाहर आई है वो वाकई शर्मनाक है। आज दिन में दयानंद कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष और की का बर्थडे था, वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था, इसका प्राचार्य साहब ने विरोध किया। इस बात को लेकर दोनों में आपस में विवाद हो गया, दोनों ने परस्पर एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दी, इस पर प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया जाएगा।